नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के सर्वे में क्या आंकड़े आ रहे हैं, इसके हम आगे आपको आंकड़े दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नोटबंदी के बाद मोदी सरकार को लेकर के एक ताजा रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है दोस्तों। जिस तरह से और जिस पर्पस से मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की थी, उस मामले पर मोदी सरकार का बड़ा फेलियर सामने आया है। इस रिपोर्ट के बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। यहां पर सोनू सूद के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार मोदी सरकार के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाने जा रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से बीएसएफ को लेकर के फैसला लिया है, उसके खिलाफ अब सदन में एक प्रस्ताव जो है ममता सरकार लाने जा रही है। किस तरह से क्या रहेगा इसका समीकरण आगे, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बहराइच के अंदर एक जो है बदमाशों ने जगह पर लूटपाट की है, उस मामले पर बीजेपी कनेक्शन सामने आ रहा है, इसको लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की मां को लेकर के एक दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के सीएम जो है बसवराज बोम्मई समेत कई बीजेपी के नेता बिटकॉइन घोटाले में फंस गए हैं, इसको लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी यह दावा कर रही है कि वो इस बार भी विधानसभा चुनाव जीतेगी, वहीं जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एबीपीसी वोटर द्वारा किए गए एक सर्वे में ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। यह सर्वे उत्तर प्रदेश की जनता की राय जानने के लिए किया गया था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि राज्य की जनता साल 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहती है। इस सर्वे में सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी को साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी कि यहां पर बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें गंवानी पड़ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को सत्ता में आना लगभग जो है नामुमकिन सा नजर आ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर नोटबंदी के फैसले के बाद देश की मोदी सरकार को लेकर के एक और बड़ा खुलासा। यहां पर एक ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ा कर रख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा साल 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया गया था। नोटबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि उनके इस फैसले से देश में फैला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पर रोक लगी और हवाला कारोबार समेत नक्सली हिंसा जैसी गतिविधियों पर नकेल कस जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे के बावजूद आज भी देश में भ्रष्टाचार और आतंकी गतिविधियां सरकार की नाक के नीचे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नकली करेंसी में भारी कमी आने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसकी भी पोल एक ताजा रिपोर्ट ने खोलकर रख दी है। नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ पर इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा की गई एक स्टडी में सामने आया है कि साल 2017 के बाद से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा जब्त की गई नकली भारतीय करेंसी में हर साल बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। साल 2016 से पहले हर साल 70 करोड़ की नकली करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था में डाली जाती थी। हालांकि नोटबंदी से स्थायी रूप से इस मात्रा को कम किया था, लेकिन साल 2017 को छोड़कर के इस मामले पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों। 2016 में 15,92,00,000 रुपए देखने को मिले, वहीं 2017 में 28 करोड़, उसके बाद 2018 में 17 करोड़, साल 2019 में 25 करोड़, उसके बाद साल 2022 में 92 करोड़ रुपए की नकली करेंसी जब्त हुई है। तो नोटबंदी के बाद लगातार देश में नकली करेंसी का चलन बढ़ा है, ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पंजाब की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सोनू सूद के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं,
में है, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चल रही है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से मुलाकात कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर आज मोगा स्थित सोनू सूद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धू के आगमन को लेकर के सोनू सूद के घर के चारों तरफ पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई है। बता दें कि पिछले कल जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सोनू सूद से मुलाकात की थी, लेकिन उनकी इस मुलाकात के बाद कोई जो है तरफ से बयानबाजी नहीं आई थी। लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि सोनू सूद से जो है नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करके उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दे सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीएसएफ की ताकत बढ़ने से ममता सरकार हुई नाराज, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाएंगी प्रस्ताव। आप इस खबर को देख सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार भी प्रस्ताव लाने जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार 17 नवंबर को बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाते हुए 50 किलोमीटर करने के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएसएफ को पंजाब बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तलाशी जब्ती और गिरफ्तारी की इजाजत दे दी थी। अब इसके खिलाफ ममता सरकार प्रस्ताव लाने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बहराइच उत्तर प्रदेश में बदमाशों का तांडव लगातार जारी है, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है, उनकी पोल खोलती हुई ये खबर आप देख लीजिए। हालांकि चौंकाने वाला खुलासा तो यह हुआ है कि इस लूटपाट में बीजेपी कनेक्शन तक निकल आया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्य में चुनाव से पहले लगातार घट रही अपराधी घटनाओं के कारण योगी सरकार के लिए जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन एक के बाद दिल दहलाने वाली अपराधी घटनाएं होती जा रही हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर भी लोग जो है खुलकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि बहराइच के बाबागंज चौकी से कुछ ही दूरी पर मंगलवार को देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलर की लूटने के इरादे से हत्या कर दी है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि जब इलाके में गोली की आवाज सुनाई दी तो मौके पर लोग पहुंच गए। लोगों को देखकर बदमाशों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में स्टार्ट नहीं हुई, जिसके चलते बदमाशों ने गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। लेकिन इस गाड़ी में बताया जा रहा है कि जो झंडा था वो स्कॉर्पियो गाड़ी में बीजेपी के का लगा हुआ पकड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं बदमाशों के पास बीजेपी की कार रिकवर हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की मां को लेकर के बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की मां का दोस्तों निधन हो गया है। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने उनकी मां की जो है इस दुखद घटना को लेकर के शोक व्यक्त किया है और जो है ट्वीट करते हुए अपनी बात को रखा है। अति दुख के साथ यह सूचित किया जाता की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की माता श्री रामरति 92 साल की उम्र में अब स्वर्गवास हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में कई बीजेपी के नेता बिटकॉइन घोटाले में फंस गए हैं, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब एसआईटी बने, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।